Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the phrasal verb starting with letter C, and this is part 5 of the phrasal verb series. Okay, and this is the weekly schedule of the class, so you can take a screenshot of it. Okay, so the first phrasal verb is cheer up, and this is in separable form. Okay, it means that it can be divided with any object or any noun or something. Okay, so इसका मीनिंग क्या होता है? हेल्प समवन फील लेस वरीड, डिप्रेस्ड और सैड. ठीक है, तो वैसे इंसान को हेल्प करना जो कि बहुत ही ज्यादा वरीड है या डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड में है या सैड है. ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं इसको कैसे यूज किया जाता है. सूजीज ब्रदर वॉज डिप्रेस्ड अबाउट नॉट गेटिंग अ प्रमोशन, सो शी सेंट हिम अ फनी कार्ड टू चीयर हिम अप. ओके, तो यहाँ पे हिम जो है यहाँ पे बीच में आ रहा है, चीयर अप के बीच में. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सूजी का जो भाई था वो बहुत ही डिप्रेस्ड था. किस लिए डिप्रेस्ड था? बिकॉज ही वॉज नॉट गेटिंग अ प्रमोशन, उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा था. तो सूजी ने क्या किया, उसने एक फनी कार्ड भेजा ताकि उसका मूड अच्छा कर सके. ठीक है, चीयर हिम अप. ओके, द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज चीव आउट, एंड दिस इज ऑल्सो सेपरेबल. ओके, सो वॉट डज इट मीन? इट मीन्स स्कोल्ड समवन सीवियरली और बीरेट. ठीक है, किसी को बहुत ही गंदे तरीके से डांट लगाना, उसको हम बोलेंगे चीव आउट. ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है हम देखते हैं. टॉम्स फादर वाज रियली एंग्री व्हेन टॉम डिड नॉट कम होम अंटिल 3 AM. ओके, ही च्यूड टॉम आउट एंड देन सेड टॉम हैड टू स्टे एट होम फॉर 2 weeks. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि टॉम के फादर बहुत ज्यादा एंग्री थे टॉम से. क्यों? बिकॉज ही डिड नॉट कम होम अंटिल 3 AM. 3 AM तक वो नहीं है घर आया. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ही च्यूड टॉम आउट. ओके, तो यहाँ पे टॉम जो है वो सेपरेटेड है. ठीक है, सो ही च्यूड टॉम आउट एंड सेड दैट टॉम हैड टू स्टे एट होम फॉर 2 weeks. तो उसके फादर ने क्या कहा कि यू हैव टू स्टे एट होम, आपको घर पे रहना पड़ेगा 2 वीक के लिए. ठीक है, एज अ पनिशमेंट. ओके, नेक्स्ट इज चिकन आउट, एंड दिस इज विथ नो ऑब्जेक्ट. सो वॉट डज इट मीन? इट मीन्स लूज द करेज ऑफ कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग ऑफन एट द लास्ट मिनट. ठीक है, मतलब अंतिम समय में कोई चीज हम जब कर रहे हैं उसके अंतिम समय में आते आते तक वो करेज खो देना या कॉन्फिडेंस खो देना. ठीक है, उस चीज को करने का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चिकन आउट. ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सैम सेड ही वॉज गोइंग टू आस्क लुलू फॉर अ डेट बट ही चिकन आउट. ओके, तो सैम लुलू को कहाँ ले जाना चाह रहा था, अपने साथ डेट पे ले जाना चाह रहा था, बट क्या हुआ, लास्ट मिनट में आके वो क्या किया, ही चिकन आउट. ओके, नेक्स्ट इज चिप इन, एंड दिस इज इनसेपरेबल. ओके, सो व्हेनेवर इट विल कम टुगेदर. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इट मींस कंट्रीब्यूट और डोनेट ऑफन मनी टू समथिंग डन बाय ग्रुप. ठीक है, मतलब कोई ग्रुप है जो कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसमें क्या डोनेट करना या अपना कंट्रीब्यूशन देना. ठीक है, जैसे कोई रिलीफ फंड होता है, जैसे कि आपका कोई आपका जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गया तो वहां पे रिलीफ के लिए आप क्या करते हो, आप उस पैसा देते हो, डोनेट करते हो. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चिप इन. ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है, वी आर गोइंग टू बाय अ बर्थडे केक फॉर आवर बॉस एंड आई एम कलेक्टिंग डोनेशंस, डू यू वांट टू चिप इन. ठीक है, तो बोल रहा है कि मेरा हमारा जो बॉस है उसका क्या है, बर्थडे केक हमें खरीदना है. ठीक है, सबको कंट्रीब्यूशन करके कर देगा. ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि क्या तुम भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू चिप इन. ओके, नेक्स्ट इज क्लैम अप, एंड दिस इज इनसेपरेबल. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इट मींस सडनली बिकम क्वाइट और रिफ्यूज टू टॉक अबाउट समथिंग. ठीक है, मतलब वो उस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता जो भी मैटर है. ठीक है, तो उसको मतलब वो अपने तक ही सीमित रखना चाहता है सारी चीजों को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लैम अप करना. ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, लीला वुडंट टॉक अबाउट द एक्सीडेंट, व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाट हैपेंड शी क्लैम्ड अप. ठीक है, तो एक इंसिडेंट हुआ क्या कि एक एक्सीडेंट हो गया होगा किसी तरीके से. ठीक है, और लीला जो है उसके बारे में बात करना नहीं चाह रही, हो सकता है कि कुछ से कुछ वो ज्यादा ही घबरा गई हो. ठीक है, तो जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो शी क्लैम्ड अप, मतलब शी केप्ट टू हर सेल्फ. ओके, मतलब उसने किसी से बात नहीं किया. ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज कम अक्रॉस, एंड दिस इज इन इनसेपरेबल फॉर्म. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स फाइंड अनएक्सपेक्टेडली. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आई लॉस्ट माई कार एक्स्ट्रा कार कीज, If you come across them while you are cleaning the room, please put them in a safe place. ठीक है, तो बोल रहा है कि मेरा जो एक्स्ट्रा कार कीज था वो क्या हो गया, वो भुला गया है. ठीक है, तो अगर आप अगर उसके
करीब आते हो, अगर आपको मिलता है, खोजते हो, मिल जाता है, तो प्लीज आप उसको एक सेफ जगह पे रख देना, ठीक है। नेक्स्ट इज कम डाउन विथ डैश, इट मीन्स इट विल बी समथिंग, ठीक है, कम डाउन विथ समथिंग, एंड दिस इज एन इनसेपरेबल फॉर्म, एंड व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स बिकम इल विथ डैश, ठीक है, मतलब किसी भी बीमारी से वो ग्रसित होना, जैसे कि डायरिया हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, डेंगू हो सकता है, ठीक है, या किसी तरीके का फ्लू हो सकता है, ओके। सो इसका एग्जाम्पल क्या है, जॉर्ज वॉन्ट बी एट द ऑफिस टूडे, ही केम डाउन विद द फ्लू ओवर द वीकेंड, ठीक है, तो बोल रहा है कि जॉर्ज जो है आज अपना ऑफिस नहीं जा पाएगा, क्यों, बिकॉज ही हैज कम डाउन विद द फ्लू, मतलब उसको फ्लू पकड़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज कम टू, एंड दिस इज एन इनसेपरेबल फॉर्म, सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स टू टोटल, ओके। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, योर चार्जेस कम टू रुपीज 124.38, विल यू पे बाई चेक इन कैश और विद अ क्रेडिट कार्ड, ठीक है, तो बोल रहा है कि आपका जो टोटल सम अप जो हो गया है वो कितना हो चुका है आपका, वो 124.38 रुपीज हो चुका है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हाउ विल यू पे बाई चेक, क्या आप चेक से पे करोगे या कैश से पे करोगे या क्रेडिट कार्ड से पे करोगे, ओके। नेक्स्ट इज कम टू, एंड दिस हैज नो ऑब्जेक्ट, ओके, इट विल टेक नो ऑब्जेक्ट, एंड वॉट डज इट मीन, इट मीन्स टू रिगेन कॉन्शियसनेस, ओके। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या, वेन आई टोल्ड गीना डैट शी हैड वॉन अ मिलियन डॉलर्स, शी फेंटेड, वेन शी केम टू आई टोल्ड हर इट वॉज अ जोक एंड शी ऑलमोस्ट हिट मी, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि जब मैंने गीना को बताया कि उसने मिलियन डॉलर्स जीते होंगे लॉटरी में, ठीक है, तो वो खुशी के मारे क्या हो गया, वो फेंट कर गई, ठीक है, उसको विश्वास नहीं हुआ और वो फेंट कर गई। और जब वो अपना कॉन्शियस रिगेन की, वेन शी केम टू मतलब अपना कॉन्शियसनेस रिगेन की, तो आई टोल्ड हर इट वॉज अ जोक, तो मैंने उसे बताया कि वो एक जोक था, एंड शी ऑलमोस्ट हिट मी, ठीक है, और वो गुस्से में उसने मुझे मार ही दिया था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज काउंट ऑन, एंड दिस इज इनसेपरेबल फॉर्म, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स डिपेंड ऑन और ट्रस्ट दैट समथिंग विल हैपन और दैट समवन विल डू एज एक्सपेक्टेड, ओके। तो अगर हम किसी पर डिपेंड ऑन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आई कैन काउंट ऑन यू, ठीक है, ओके। तो इसका एग्जाम्पल क्या देखते हैं, आई एम काउंटिंग ऑन यू टू वेक मी अप टुमारो, आई नो आई वॉन्ट हियर द अलार्म, ठीक है, तो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे पर डिपेंडेंट कर रहा हूँ ताकि मैं कल सुबह तुम मुझे उठा सको, ठीक है, क्यों, बिकॉज क्योंकि उसको पता है कि वो कितना भी अलार्म बजेगा तो वो नहीं जग पाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज क्रॉस आउट, एंड दिस इज सेपरेबल, ओके। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट समथिंग रिटन इज रॉन्ग और अननेसेसरी बाई मेकिंग एन एक्स क्रॉस अक्रॉस इट, ओके। सो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वी कैनॉट अफोर्ड टू बाई एवरीथिंग ऑन योर शॉपिंग लिस्ट, सो आई हैव क्रॉस्ड ऑल द अननेसेसरी थिंग्स आउट, ओके। तो ये क्रॉस्ड आउट जो है वो ऑल द अननेसेसरी थिंग्स से सेपरेट किया गया है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका जो शॉपिंग लिस्ट है उसमें बहुत सारे सामान है और बहुत सारी चीजें जो अननेसेसरी हैं, ठीक है, तो इसीलिए सब चीज हम खरीद नहीं सकते, इसीलिए मैंने उसे क्या किया, सबको क्रॉस आउट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज कट बैक ऑन, ओके, और इसके बारे में क्या बताया गया है कि इट इज ऑफन विदाउट एन ऑब्जेक्ट, ज्यादातर ये क्या होता है, देखा जाता है कि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है, बट जब वो ऑब्जेक्ट लेगा तो इट विल बी इन इनसेपरेबल फॉर्म, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यूज लेस ऑफ समथिंग, ठीक है, मतलब किसी चीज को कम यूज करना, ठीक है, जैसे कि मान लिया कि जब आपका खर्चा बढ़ जाता है तो आप क्या बोलते हो, यू हैव टू कट योर कंजम्पशन ऑफ शुगर, ठीक है, बिकॉज शुगर्स प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय ₹5, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हम देख लेते हैं, यू ड्रिंक टू मच कॉफी, ओके, बोल रहा है कि तुम बहुत ज्यादा कॉफी पीती हो, ठीक है, यू शुड कट बैक, मतलब तुमको अपना खर्चा कम करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज इन द इनसेपरेबल फॉर्म, इसमें क्या यूज किया गया एग्जाम्पल, यू शुड कट बैक ऑन द अमाउंट ऑफ कॉफी डेट यू ड्रिंक, ओके। तो यहाँ पे क्या है, कट बैक ऑन एक साथ आया है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि यू शुड कट बैक ऑन द अमाउंट ऑफ कॉफी डेट यू ड्रिंक, तो तुम जितना कॉफी पीते हो उसको तुम्हें कम करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में केस में मीनिंग वही होता है, टू यूज लेस ऑफ समथिंग, ठीक है। सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टूडे सेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Thank you so much.